हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबूस किचन। आज का रेसिपी टेस्टी चिली पनीर बन। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी पनीर को मैरिनेट कर लेती हूँ। नमक ऐड किया, चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर। ऑनली मसाला को बाइंडिंग करने के लिए तो हाथों से ऐसे मैरिनेट कर लेती हूँ। अभी ऑयल गर्म होने के लिए रख देती हूँ। ऑयल गर्म हो गया और पनीर को जो मैरिनेट करके रखा था वो तो फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। पलट पलट के पनीर को क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेती हूँ। और सारे पनीर फ्राई हो गया, प्लेट में निकाल लेती हूँ। सेम ऑयल में गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली ऐड कर दिया। पहले हाई फ्लेम में 1 मिनट फ्राई कर लेती हूँ। साथ में जो कैप्सिकम और ऑनियन को फ्राई करके कट के रखा वो भी ऐड कर देती हूँ। और 1 मिनट सॉल्ट कर लेती हूँ। नमक ऐड कर दिया, ब्लैक पेपर, सॉसेस ऐड करूँगी, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, सारे सॉसेस ऐड करके और 1 मिनट अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। सारे सॉसेस ऐड कर दिया। फिर थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर देती हूँ। और जो पनीर लिया फ्राई करके फ्राइड पनीर भी ऐड कर देती हूँ। ग्रेवी को थिक बनाने के लिए 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी के साथ घुल के इसमें ऐड कर दूंगी। एक चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया और 1 चम्मच पानी ऐड कर दिया और अच्छी तरह से पहले घोल लेती हूँ ग्रेवी को थिक बनाने के लिए। और 5 मिनट बॉईल कर लेती हूँ। पनीर भी सॉफ्ट हो जाएगा और ग्रेवी भी थिक हो जाएगा। टेस्टी पनीर चिली बनके रेडी हो गया। अभी गैस बंद करके डिश आउट कर लेती हूँ। टेस्टी चिली पनीर बनके रेडी हो गया। एक ग्रेवी वाला बनाया और इसे सूखा भी बना सकता है। बहुत ही अच्छा बनता है घर पे, ऐसे रेस्टोरेंट स्टाइल बनाया। एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आप लोग का एक्सपीरियंस मेरे से शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।